साउथ इंडियन स्टाइल हरी धनिया की चटनी की रेसिपी आज मैं आपके लिए शेयर करूंगी। यह चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, इसे आप किसी भी स्नैक्स से एंजॉय कर सकते हैं। नमस्ते, रसोई एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। यदि रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो शुरू करें। चटनी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई और इसको मैंने रख दिया है स्लो गैस पर और 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें तेल डाल दूँगी। अब डालूँगी 1 छोटा चम्मच उड़द की दाल धुली हुई, 1.5 छोटा चम्मच चने की दाल। अब डाल रही हूँ 8 लहसुन की कलियाँ। अदरक का टुकड़ा है 1.5 इंच का, इसे भी डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। एक छोटी सी इमली है नींबू के साइज की, उसे भी डाल देंगे और कुछ सेकंड इसको तल लेंगे और गैस बंद कर देंगे। अब इसे एक प्याले में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। अब इस मिक्सचर को मिक्सी जार में डाल देंगे। एक बड़ा टमाटर लिया है, इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। 5 हरी मिर्च ली है। अब इन सबको मैं मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। तो इन सबको मैंने पीस लिया है। अब इसमें डालेंगे धनिया। 2 प्याला तक मैंने धनिया लिया है, ये 1 जूड़ी आती है उतना धनिया है। ये धनिया को मैंने डंडे के सहित साफ किया है और अब इसे अच्छे से पानी से मैंने धो लिया है और अब इसे बड़े बड़े टुकड़ों में काट लूँगी। तो थोड़ा सा इसमें पानी भी डाल देंगे, ठंडा पानी है ताकि ये गाढ़ा बहुत है तो पीसने में आसानी रहेगी। अब धनिया डाल देते हैं इसके अंदर। थोड़ा मैंने पीस लिया है अभी धनिया डाल के। अब इसमें डाल देंगे मसाले, नमक वगैरह। 1 छोटा चम्मच में सेंधा नमक डाल रही हूँ। थोड़ा सा डाल रही हूँ काला नमक और अब बचे हुए धनिया को भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से पीस लेंगे। पीस लिया है, देखो अच्छे से पीस गया है सब। और अभी आप टेस्ट कर लेना है और अगर ज़रूरत पड़े नमक कम लग रहा हो तो सादा नमक, टेबल नमक डाल देंगे। तो थोड़ा सा मैं टेबल नमक भी डाल रही हूँ। अब फिर से एक बार पीस लेंगे। तो बन के तैयार हो गई है हरी धनिया की साउथ इंडियन स्टाइल में चटनी। तब मैं इसे बाउल में निकाल लेती हूँ। इसको सैंडविच बनानी है इसलिए मैंने चटनी को थोड़ी गाढ़ी ही रखी है। अभी इसमें एक थोड़ी प्रोसेस बाकी है। सेम कढ़ाई मैंने ली है और इसमें थोड़ा सा तेल डाल के मैंने गरम कर लिया है और 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल के इसको तड़का लेंगे। अब थोड़े से कढ़ी पत्ता लेंगे, उसे भी डाल देंगे और कुछ सेकंड इनको तल लेंगे। अब ये जो बघार करा है ये इसमें डाल देंगे चटनी के अंदर। सब डाल देंगे। तो ये बनकर तैयार हो गई है साउथ इंडियन स्टाइल चटनी हरी धनिया की। यह चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। इस चटनी से सैंडविच बनाओ, इडली डोसा के साथ खाओ या रोटी पराठे के साथ खाओ, यह चटनी सबके साथ अच्छी लगेगी। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर टेस्ट करें।